दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इंटरनेट से रिलेटेड इशू के बारे में। अगर आप रेडमी का कोई भी डिवाइस यूज़ करते हैं या कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल आप यूज़ कर रहे हैं, और उस एंड्रॉयड मोबाइल में अगर आपने वहाँ पे जियो सिम लगा के रखा हुआ है और उस जियो सिम में जो इंटरनेट की स्पीड है अगर आपको नहीं मिल रही है, तो कैसे आप उसको फिक्स कर सकते हैं, कैसे स्लो इंटरनेट को इम्प्रूव कर सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। अब दोस्तों होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और उस मोबाइल में अगर आपने जियो सिम लगा के रखा हुआ है और आप ऑफिस वर्क भी करते हैं और घर में भी रहते हैं, तो दोस्तों जहाँ पे आप ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको इंटरनेट स्पीड ज़्यादा मिलती है, और जहाँ पर कम टाइम आप वेस्ट करते हैं वहाँ पर आपको इंटरनेट जो स्पीड है वो स्लो देखने को मिलेगी। आपने देखा है कि एरिए के हिसाब से आपको जो इंटरनेट है वो उस हिसाब से आपको इंटरनेट मिलता है। अगर आप कस्टमर केयर से बात करते हैं तो कस्टमर केयर से अगर आप वहाँ पे बात कीजिएगा तो कस्टमर केयर आपको एक ही चीज़ बोलेंगे कि आपको कहाँ पे इंटरनेट की स्पीड को बढ़ाना है। तो दोस्तों यही टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ कि कस्टमर केयर क्या करते हैं जिसके चलते आपको इंटरनेट की स्पीड देखने को मिलती है, तो वही टिप्स मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। इसके लिए मैं आपको कोई भी APN सेटिंग नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि APN सेटिंग करने से कोई भी इंटरनेट स्पीड नहीं बढ़ती है। तो दोस्तों आपको मोबाइल में कुछ टिप्स को फॉलो करना है, उस टिप्स को फॉलो कीजिएगा तभी आपका यहाँ पर इंटरनेट स्पीड बढ़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको बताते हैं कि क्या आप सेटिंग कीजिएगा जिससे आपको इंटरनेट की स्पीड काफ़ी अच्छी मिल जाए। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं पहले सेटिंग के बारे में। तो दोस्तों होता क्या है कि मान लीजिए आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है, तो उस सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के बाद क्या होता है कि आपका अगर इंटरनेट स्लो हो जाता है तो होता क्या है कि आपके सॉफ्टवेयर में इश्यू आ जाता है, उसमें कुकीज़ फाइल काफ़ी बढ़ जाता है जिसके चलते ये प्रॉब्लम मिलती है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अपने मोबाइल के सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद इस प्रकार का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद कनेक्शन एंड शेयरिंग वाला जो ऑप्शन मिल रहा है इस पर आपको टैप कर देना है। कनेक्शन एंड शेयरिंग वाले पे टैप करने के बाद आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद देखिए एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, रीसेट वाईफाई मोबाइल नेटवर्क एंड ब्लूटूथ। इस पर आप क्लिक करें और क्लिक करने के बाद नीचे में रीसेट सेटिंग वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है। देन आपको यहाँ पे जितने भी सेटिंग मिल रहे हैं वाईफाई मोबाइल डाटा ब्लूटूथ का, उसको रीसेट कर देना है। आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। जब आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं, कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ से बैक हो जाना है, और बैक होने के बाद ऊपर जाना है। ऊपर जाने के बाद एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क, इस पर आपको टैप कर देना है। अब आपको यहाँ पे दो सिम कार्ड देखने को मिलेंगे जिसमें आप इंटरनेट चलाते हैं, उस पर आपको टैप कर देना है। और टैप करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा SS पॉइंट नेम वाला, इस SS पॉइंट नेम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पे दोस्तों जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे ये कनेक्ट किया हुआ रहेगा। तो दोस्तों इससे पहले आपको क्या करना है, ये आपका जो क्लिक किया हुआ रहेगा तो आपको जो एरो देखने को मिला इस एरो पे आपको क्लिक कर देना है। और जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद आपको मोर वाले ऑप्शन में जाना है। मोर वाले ऑप्शन में जाने के बाद इस डिलीट APN पे क्लिक कर देना है। तो ये जो आपका APN सेटिंग यहाँ पे मिल रहा है इसको आपको डिलीट कर देना है। तो डिलीट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों एरिया के हिसाब से जो आपको यहाँ पे MCC और MNC देखने को मिलता है, ये हमेशा क्या होता है कि जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया के हिसाब से यहाँ पे आपको कोड देखने को मिलता है, तो उसके चलते भी इंटरनेट काफ़ी स्लो होता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, मोर पे क्लिक कर देना है, देन आपको डिलीट APN पे क्लिक करके इसको डिलीट कर देना है। आप देख सकते हैं ये APN यहाँ पे डिलीट हो चुका है। देन आपको फिर से APN यहाँ पे जनरेट करना है। नीचे में आपको रिसेट वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे APN आ चुका है, फिर से आपको यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। तो ये आपका इंटरनेट यहाँ पे आपको क्या करना है, माई जियो एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद इस प्रकार का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से इसको लॉगिन कर लेना है, जो मोबाइल नंबर आपका सिम में लगा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे पहले से लॉगिन करके रखा हुआ है। देन आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद एक ऑप्शन देखने को मिलेगा हेल्प एंड सपोर्ट का, इस हेल्प एंड सपोर्ट वाले ऑप्शन पर टैप कर दें। जैसे आप यहां पे टैप करते हैं, टैप करने के बाद यहां पे ऑप्शन मिलेगा ट्रबल शूट इशू, ये देख सकते हैं ट्रबल शूट इशू देखने को मिलेगा, जिसमें दो ऑप्शन मिलेंगे, द इंटरनेट स्पीड ऑन मोबाइल इज स्लो व्हाट डू आई डू, और दूसरा ऑप्शन मिलेगा व्हाट इज द स्टेटस ऑफ माय रिचार्ज। तो आपको क्या करना है, व्यू ऑल वाले पे क्लिक कर देना है, और व्यू ऑल वाले पे क्लिक कीजिएगा तो अब आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट द इंटरनेट ऑन मोबाइल व्हाट डू आई डू। अगर आपका इंटरनेट ही नहीं कनेक्ट हो रहा है देन आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है। अगर स्पीड स्लो हो रहा है देन आपको सेकेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ये दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो आपको चूज कर लेना है कि आपका इंटरनेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर इंटरनेट पूरी तरीके से नहीं चल रहा है तब तो आप ऊपर वाले पे क्लिक करें, और इंटरनेट काफ़ी स्लो चल रहा है देन आपको सेकेंड वाले पे क्लिक कर देना। चलिए मैं यहाँ पे सेकेंड वाले पे क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। आपको सिंपली क्या करना है, वेट करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पिंग होना चालू हो जाएगा।
तो आपका जो सिम है वो डेडेक्ट करेगा। डेडेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं हाई स्पीड लिमिट यहाँ पे देखने को मिलेगा कितना स्पीड है। उसके बाद पिंग वेबसाइट सक्सेसफुली बताएगा और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पीड टेस्ट यहाँ पे होना चालू हो जाएगा। तो डाउनलोड स्पीड, अपलोड स्पीड और लेटेंसी ये आपको देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंप्रूवमेंट होता है कि नहीं होता, आप यहाँ पे देख ले। तो देख सकते हैं डाउनलोड स्पीड यहाँ पे बढ़ रहा है और यहाँ पे आप देखिएगा कितना स्पीड मिलेगा वो मैं आपको पूरा भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड स्पीड निकल के आया है 20 Mbps। उसके अलावा अपलोड स्पीड यहाँ पे निकल के आया है 3.84 Mbps। और लेटेंसी के बारे में बात करें तो लेटेंसी यहाँ पे निकल के आया है 58.0 ms, ये निकल के आया है। तो आपने देखा कि यहाँ पे स्पीड तो बढ़ गया, अब इससे भी ऊपर स्पीड आपको बढ़ाना है तो क्या करना है वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे होम स्क्रीन में आ गया हूँ और होम स्क्रीन में आने के बाद ऊपर में आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा इंगेज वाला, इस इंगेज वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। इंगेज वाले ऑप्शन पर टैप करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। आप देखिए एक ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा मोर ऐप्स वाला, इस मोर ऐप्स वाले पर क्लिक कर देना है। मोर ऐप्स वाले ऑप्शन पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद नीचे आपको जाना है। तो नीचे जाने के बाद दोस्तों देख सकते हैं जियो का एक एप्लीकेशन देखने को मिलेगा, नेट वायलिसिटी, ये देख सकते हैं नेट वायलिसिटी जो देखने को मिल रहा है, ये काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है। इसको आपको ओपन कर लेना है क्योंकि आपको एडवांस यहाँ पे सेटिंग मिलेगा जिससे आप इंटरनेट की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लूँगा। मैंने प्ले स्टोर से पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ है। मैं आई एक्सेप्ट पर यहाँ पर क्लिक करूँगा, देन यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर दूँगा और उसके बाद जो भी परमिशन है उसको मैं यहाँ पर अलाउ कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने टोटल परमिशन को यहाँ पर अलाउ कर दिया है। अलाउ करने के बाद आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद अलाउ ऑल टाइम में यहाँ पे कर देता हूँ लोकेशन परमिशन को। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, ऑपरेशन देखने को मिलेगा, सिग्नल आपको देखने को मिलेगा, सिग्नल कैसा है, गुड है कि कैसा है, क्वालिटी के बारे में बताया जाएगा कि एवरेज है कि बैड है। ये आप देख सकते हैं कभी बैड आ रहा है कभी एवरेज आ रहा है, इसका मतलब है कि इंटरनेट की जो स्पीड है अभी भी यहाँ पर ठीक नहीं हुई है। अब आपको सिंपली क्या करना है, आपको मोर वाला ऑप्शन मिलेगा, इस मोर वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। देन आपको यहाँ पे सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाना है। सेटिंग वाले ऑप्शन पे जैसे आप यहाँ पे जाते हैं, जाने के बाद आप यहाँ पे देखिएगा सर्वर सिलेक्शन वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद जियो का जितने भी सर्वर इंडिया में चल रहे ये टोटल सर्वर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं नॉर्थ से लेकर साउथ तक जितने भी सर्वर है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो दोस्तों आपको जो भी यहाँ पे नज़दीक का सर्वर देखने को मिलता है उस सर्वर को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑटो वाला भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप चाहे तो यहाँ पे मैनुअल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये करने के बाद आपको यहाँ से बैक हो जाना है और बैक होने के बाद आपको यहाँ पे कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। उसके बाद आपको यहाँ से बैक होने के बाद देखिए इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पे टेस्टिंग लास्ट में करने वाला हूँ और बाद में मैं आपको इंटरनेट से भी टेस्टिंग करके दिखाऊंगा कि कितने स्पीड यहाँ पे देखने को मिलता है। वहाँ पर आपने देखा था कि 20 Mbps तक का आपको यहाँ पर डाउनलोड स्पीड मिला था। आपको नीचे में प्लस वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नेटवर्क परफॉर्मेंस टेस्ट वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको चले जाना है। इस पे जैसे तो जैसे आप यहाँ पे जाते हैं, जाने के बाद देखिए यहाँ पे पिंग वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा और काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, DNS के लुकअप भी देखने को मिलेगा। तो ये टोटल चीज़ आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना लोकल जो IP एड्रेस है वो आपको देख लेना है। तो ये लोकल IP एड्रेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा और एक्सटर्नल जो IP एड्रेस है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप क्या करें, पिंग वाले पे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है इंटर डोमेन और IP एड्रेस। तो ये आपको सबसे पहले यहाँ पे फिलअप कर लेना है। फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक कर देना है। तो ये जो आपको नज़दीक का जो टावर होता है दोस्तों उसी का IP एड्रेस होता है, ये अगर आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा, फिलअप करने के बाद टेस्ट कीजिएगा तो आपकी जो इंटरनेट की स्पीड है काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको फिलअप कर लेता हूँ, देन मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे IP एड्रेस को फिलअप कर लिया है और फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे इंटरनेट पे क्लिक कर देना। इंटर पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पे बफरिंग होगा और पिंगिंग होना चालू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पिंगिंग टेस्ट होना चालू हो चुका है और ये पूरा होने के बाद अब आपका यहाँ पे काम कंप्लीट हो चुका है। आपको नीचे में रिसेट वाला ऑप्शन मिलेगा, रिसेट पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, दोबारा आपको यहाँ पे पिंग टेस्ट कर लेना। ये करने के बाद आपको यहाँ से बैक हो जाना है। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे इंटरनेट टेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ से बैक होऊंगा और बैक होने के बाद स्टार्ट टेस्ट वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर मैं यहाँ पे टैप करूँगा और टैप करने के बाद नीचे में स्टार्ट टेस्ट वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे डाउनलोड स्पीड देखने को मिलेगा कितना मिल रहा है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, डाउनलोड हो रहा है और डाउनलोड की स्पीड आप यहाँ पे देख सकते हैं 20 Mbps से ऊपर जा चुका है। तो देख सकते हैं 27, 28
ये 28 तक गया है, 26 तक गया है। तो दोस्तों एवरेज देख सकते हैं 20 से यहाँ पे पार ही बता रहा है। तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे डाउनलोड की स्पीड मिल रही है। तो आप देख सकते हैं डाउनलोड स्पीड आई है 28 Mbps और अपलोड स्पीड भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा यहाँ पे जा रहा है। परफॉर्मेंस 20 से ऊपर ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे वेट कर लेना है। देख सकते हैं 31 Mbps तक यहाँ पे अपलोड की स्पीड जा चुकी है। तो आप यहाँ पे देखिए ये कंप्लीट हो रहा है। ये कंप्लीट होने के बाद अब आप यहाँ पे देखिएगा तो इंटरनेट की स्पीड आपको देखने को मिल जाएगी। तो डाउनलोड की स्पीड आप यहाँ पे देख सकते हैं, एवरेज जो निकल के आया है वो निकल के आया है 26 और अपलोड की जो स्पीड यहाँ पे निकल के आई है वो निकल के आई है 31.77। ये स्पीड आपको यहाँ पे मिल जा रही है। तो दोस्तों आपने यहाँ पे देखा जो इंटरनेट की जो स्पीड आपको यहाँ पे देखने को मिली है, काफ़ी अच्छी यहाँ पे इंटरनेट की स्पीड मिल गई है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।